दोस्तों, देश से अभी ढंग से कोरोना वायरस का संकट गया भी नहीं है, अब एक और वायरस पैर पसार कर खड़ा है हमारे सामने। उस वायरस का नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू से अब तक देश में लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही इस कहर के बीच एक सवाल उठता है कि आखिर बर्ड फ्लू क्या होता है, क्या ये इंसानों तक फैल सकता है और इसका इलाज क्या है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पहले जान लेते हैं बर्ड फ्लू की शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले बर्ड फ्लू का मामला 1997 में हांगकांग में पाया गया था। उस समय बर्ड फ्लू के प्रकोप को पोल्ट्री फार्म के संक्रमित मुर्गियों से जोड़ा गया था। दोस्तों, हमारे देश में बर्ड फ्लू का सबसे पहला मामला 19 फरवरी 2006 को महाराष्ट्र के एक नवापुर गाँव से आया था, जो नंदूरभर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस गांव वालों ने कई पक्षियों की मौत की सूचना जीव अधिकारी को दी और पोल्ट्री फार्म को बंद कर दिया गया। अब जान लेते हैं कि बर्ड फ्लू अब तक किन किन राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की तरफ से एक भयंकर चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और भारत देश के सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा हुआ है। कई राज्यों में चिकन, अंडे और पक्षियों की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कई राज्यों में मुर्गा मंडी बंद कर दी गई है। अब बर्ड फ्लू का असर 10 राज्यों को पार कर गया है। देश के कई राज्यों में से भी पक्षियों के मरने की खबर आ रही है और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर रखा है। दोस्तों, केरला, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और अब दिल्ली भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। इन सभी राज्यों में पॉजिटिव मामले बढ़ गए हैं। दिल्ली में भी इसका प्रकोप जारी है। दिल्ली से कुछ सैंपल भोपाल और पुणे की लैब में भेज दिए गए हैं। इन सभी शहरों में पोल्ट्री फार्म को बंद कर दिया गया है और सभी मुर्गा मंडियां भी बंद कर दी गई हैं, जिससे इसका असर और न फैल सके। चलिए अब जानते हैं बर्ड फ्लू क्या होता है। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है और H5N1 बर्ड फ्लू का सबसे आम रूप है। यह पक्षियों के लिए घातक है और इंसानों और जानवरों को आसानी से प्रभावित कर सकता है। 2016 में दिल्ली के चिड़ियाघर में H5N1 पक्षियों में पाया गया था और लगातार 10 पक्षियों की मौत हो गई थी और दिल्ली के चिड़ियाघर को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। H5N1 वायरस पक्षियों से होते हुए इंसान के जिस्म में प्रवेश कर सकता है। इससे फेफड़ों में इन्फेक्शन आने लगता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ये वायरस मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है, लेकिन ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। H5N1 फ्लू बीमार पक्षियों के संपर्क में आने से होता है। इसके लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी आ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या क्या हैं। बर्ड फ्लू होने पर हमेशा कफ की समस्या होती है। लक्षण 2 से 8 दिनों के भीतर दिख जाते हैं। इसके लक्षण होते ही नाक बहना शुरू हो जाती है, सर में दर्द रहना लगता है, गले में सूजन तक आ जाती है। मांसपेशियों में दर्द और दस्त होने भी बर्ड फ्लू के लक्षण में से एक है। वहीं हर वक्त उल्टी जैसा महसूस होता रहता है। साथ ही सांस लेने में दिक्कत होना और सांस न आना, यहाँ तक कि निमोनिया हो सकता है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि बर्ड फ्लू से बचने के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरती जा सकती हैं। आइए जानते हैं इसका बचाव कैसे करें। इस वायरस से बचने के लिए डॉक्टर आपको फ्लू का वैक्सीन लगवाने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा खुले बाजार में जाने, संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने, अथवा का चिकन और अंडा खाने से बचे, समय समय पर अपने हाथ धोते रहे, मरे हुए पक्षियों से दूर रहे, उनके पास जाने की सोचे भी ना, साथ ही किसी भी बर्ड सेंचुरी घूमने ना जाए और ऐसी जगहों से दूर रहे जहाँ पक्षी बाहर से आते हों या ज्यादा पक्षी एक जगह इकट्ठा होते हों। अगर आप मुर्गी या कोई पक्षी पालते हैं तो उसे कुछ दिनों तक बंदी रखें, उन्हें बाहर ना निकालें, जिससे वो बाहर के पक्षियों के संपर्क में ना आएं और उसे उचित दूरी बनाए रखें। आइए अब जानते हैं कि किन किन लोगों को हो सकता है खतरा। H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है। संक्रमित पक्षियों के मल और लार में यह वायरस 10 दिनों तक जिंदा रह सकता है। दूषित जगहों को छूने से यह संक्रमण फैल सकता है। इसके फैलने का सबसे ज्यादा खतरा मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को है। इसके अलावा संक्रमित जगहों पर जाने वाले या संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले, कच्चा या अधपका मुर्गा अंडा खाने वाले, संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों को बर्ड फ्लू हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं क्या है इसका इलाज। अलग अलग तरह के बर्ड फ्लू का अलग अलग तरीकों से इलाज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में एंटीवायरल दवाओं से इलाज किया जाता है। लक्षण देखने के 48 घंटे के भीतर ही इसकी दवा लेनी जरूरी है। बर्ड फ्लू के संक्रमित व्यक्ति के अलावा उसके संपर्क में आए घर के अन्य सदस्यों को भी ये दवाएं लेने की सलाह दी जाती है। प्लीज दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू गाइस।